राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण जीतने और सरकार रिपीट कराने को लेकर AICC की कवायद तेज हो गई है। साथ ही चार चुनावी राज्यों में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई। अब राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी जल्द ही 3-3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेगी और उसे सीईसी को भेजेगी, और यदि सब कुछ समय पर हुआ तो संभव है कि सितंबर में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची सामने होगी। AICC ने चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस की तय रणनीति और उस पर किए मंथन सर्वे के बाद पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से जारी आदेश पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी राज्यों के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है, जो जल्द ही टिकट के दावेदारों के नाम फाइनल करेगी। तो इसमें किसे जिम्मेदारी मिली है, इस पर गौर करें तो चार राज्यों में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। गौरव गोगोई राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। गणेश गोदियाल और अभिषेक दत्त को सदस्य बनाया गया है। जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश में चेयरमैन बनाया गया है। अजय कुमार लल्लू और सतगिरी फुल्का सदस्य बनाए गए हैं। अजय माकन छत्तीसगढ़ के चेयरमैन बनाए गए हैं और डॉक्टर एल हनुमंथैया नेटा डिसूजा सदस्य बनाए गए हैं। ए मुरलीधरन तेलंगाना के चेयरमैन बनाए गए हैं। बाबा सिद्दीकी और जिग्नेश मेवाड़ी सदस्य बनाए गए हैं। वहीं राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी गठित के विस्तार पर गौर करें तो राजस्थान के रण में राहुल गांधी के करीबी गौरव गोगोई कमेटी चेयरमैन की भूमिका में रहेंगे। आपको बता दें कि गौरव गोगोई 2 बार असम से सांसद रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी गठित। गौरव गोगोई स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन। गणेश गोदियाल, अभिषेक दत्त सदस्य। गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा पदेन सदस्य। सचिन पायलट, डॉक्टर CP जोशी भी बनाए गए पदेन सदस्य। इसके बाद अब विधानसभा चुनाव में दिए जाने वाले टिकट की कवायद शुरू होगी। टिकट के काउंटडाउन का सभी दावेदारों को बेसब्री से इंतजार है। राजस्थान के रण में गोगोई की अहम भूमिका के साथ दिल्ली के कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त और उत्तराखंड के पूर्व PCC चीफ गणेश गोदियाल को सदस्य बनाकर खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। मरुधरा के चुनावी रण गठित स्क्रीनिंग कमेटी 3-3 नामों का पैनल बनाएगी। फिर CEC यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल सौंपेगी। CEC फिर एक नाम पर मोहर लगाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी 200 सीटों पर 600 उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार करेगी। कमेटी के पैनल का आधार अभी जारी विभिन्न सर्वे रिपोर्ट होगा। इसे ख्याल में रखते हुए कमेटी 3-3 नामों का पैनल बनाएगी। जल्दी स्क्रीनिंग कमेटी मुखिया और सदस्यों की पहली बैठक होगी और जल्द जयपुर आकर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और मंथन का दौर चलेगा। इसके साथ ही टिकट दावेदारों से बायोडेटा लेने का काम भी यह कमेटी करेगी। ऐसे में सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस पार्टी इस बार सितंबर में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। चुनावी साल को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं, टिकट की घोषणा चुनाव से 2-3 महीने पहले होगी तो राजस्थान का रण जीतने और सरकार को रिपीट करने में कामयाबी मिलेगी। बहरहाल कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत और BJP को दिए झटके से पार्टी उत्साह से लबरेज है। ऐसे में समय से पहले गठित स्क्रीनिंग कमेटी को फाइनल उम्मीदवारों के नामों पर जल्दी मोहर लगानी होगी। इससे उम्मीदवारों को चुनावी रण में जनता के बीच रहने और खुद के नाम और काम पर भरोसा दिलाने का पूरा समय मिलेगा। दिनेश डांगी, सच बेधड़क, जयपुर।